हमारा यहाँ पर आरएफ का काम हुआ है, जिसमें हमने आरएफ क्या हमने आरएफ सीधे उठाई चेंज कर दी क्या? हमने पहले उसके क्या चेक किए? वोल्टेज चेक किए, जो क्या नॉलेज हमें प्रॉपर होना चाहिए डायग्राम के साथ में। क्या हम यहाँ पे बोल्डियों से पढ़ते हैं क्या? यहाँ पर नहीं पढ़ते, यहाँ पे हम पूरा प्रॉपरली डायग्राम के साथ पढ़ते हैं। डायग्राम और बोर्डियो बेटा इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसके अंदर डायग्राम्स मिलते हैं, अभी अपडेटेड डायग्राम उसी में, बाकी बोर्डियो से हम नहीं पढ़ते। ठीक है, मेरे साथ एक स्टूडेंट है, बताओ इसमें क्या फॉल्ट है? सर इसके अंदर है ना नेटवर्क नहीं आ रहा। लगाओ सिम, सब वोल्टेज दिखाएंगे। देखो इस वीडियो में हम आपको सारे वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे स्टूडेंट के थ्रू। ये हमारा आरएफ सेक्शन है और हमारा नेटवर्क के क्लास चल रहा है। यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन आईसी पर कितने वोल्टेज आते हैं, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ये सारी लाइनें हम चेक करेंगे। पीएफओ पे कितने वोल्टेज आते हैं और कब हमें पीएफओ आईसी चेक करना होता है? देखो इसके अंदर सिम चालू हो गई है लेकिन नेटवर्क नहीं आने लग रहा है। दिखाओ अंदर सिम सो रही है कि नहीं हो रही है, इससे निकल दो। ठीक है, ये हो रही है। और इसमें बेसमेंट दिखा दो, बेसमेंट आ रहा है क्योंकि बेसमेंट भी होता है, नो सर्विस दे देता है। ठीक है, बेसमेंट के कारण इमरजेंसी कॉल आ जाता है। देखिए सर इसका बेस बैंड भी ओके है, तब भी इसके अंदर तो है। अब इसका क्योंकि ये पीएफओ का काम है क्या? नो सर्विस, ये पीएफओ के कारण है क्या? नहीं सर, ये आरएफ के कारण है। किसके कारण है? क्योंकि हमने इसमें डायरेक्ट सोल्यूशन ही चेक किया हुआ है, तो हम जब वीडियो में नहीं लेंगे डायरेक्ट सोल्यूशन अपनी क्लास में बताते हैं। पर हम यहाँ पे आरएफ आईसी पे आने वाले वोल्टेज जरूर चेक कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो ये हमारी आरएफ आईसी है, वोल्टेज चेक कर लो यहाँ और यहाँ पर, देखो कितने वोल्ट आ रहे हैं। उधर तो देखो कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो पहले हम नीचे वाले कैपेसिटर पे चेक करेंगे, कोई वोल्ट नहीं है। उधर करो तो यहाँ पर देखिए 0.9, कितने वोल्ट आ रहे हैं? 0.9, दैट मीन ये 1 वोल्ट एक तो मिल गया। दूसरा ऊपर वाले कैपेसिटर पे चेक करो और जहां का तुम्हारी इच्छा है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। और चेक करो यहाँ भी, देखो 0.9, मतलब वो 0.9 तीन जगह घूम घाम के आ रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखो नहीं आ रहा, हमें 1.8 चाहिए। कितना चाहिए? 1.8 चाहिए। और देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो इस कैपेसिटर पे, देखो यहाँ पर ये कैपेसिटर में देखो। तो यहाँ पर देखिए दूसरी ओर लगाइए, ठीक है, उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर वाले कैपेसिटर में दूसरी ओर लगाइए, यहाँ पर दूसरी ओर लगाइए, एक आ रहा था 1.8 वोल्टेज। यहाँ पर यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ बीच में, ओ यहाँ लगाना है कैपेसिटर, यहाँ पर यहाँ लगाओ, चेक करो 1.8 वोल्टेज चेक करना है। और कई बार ग्राउंड में चेक करने पर ज्यादातर फिर स्विचिंग भी हो सकती है, आपका फोन रीस्टार्ट या बंद भी हो सकता है, ध्यान रखना। कौन देखो चालू है कि नहीं, कौन देखो एक बार चालू है कि नहीं, चालू वोल्टेज में हमें चेक करना है। बंद हो गया है ना, तो बार बार ग्राउंड पे टच नहीं करना है। इसका क्या आंसर है, सही आंसर क्या है? तो सर एक ऐसा तरीका बता दो जिसमें फोन कभी बंद ना हो, जो बहुत अच्छा बताता हूँ कि आप कभी भी जब भी अगर आप यहाँ पर वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आप पहले जीआर चेक कर लो कि प्लस सिग्नल किधर है और माइनस किधर है। तो माइनस पर आप टच नहीं, प्लस प्लस जगह टच करो। बैटरी निकाल दी है, अब एक बार इसको कोल्ड टेस्टिंग में करेंगे और यहाँ पर एक बार चेक करेंगे कौन सा माइनस माइनस वाला, ताकि हम उसको टच ना करें। पहले ये तीन पकड़ लें, ये तीन, ये ग्राउंड है नीचे, मतलब नीचे वाले इन तीनों पर तुम्हें टच नहीं करना, बराबर? ये नीचे के टच नहीं करना, ये वाला टच नहीं करना, ये वाला देखो, ये वाला किसमें, ये सीरीज में लगाए क्या? सीरीज में हो गया, ठीक है, ये छोड़ दो, इस पर चेक ही नहीं करना। सीरीज में कभी वोल्टेज नहीं आता, कहाँ पे टच नहीं करना सर? एक तो यहाँ पे नहीं, हाँ, चलो अब चालू करो।
पूरा ऑन होना होने देना करो करो करो। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंसा टेलीकॉम, ये आपका चैनल। और दोस्तों ये है हमारी लाइव नेट्रो सेक्शन की क्लास, जो कि हमारा जुलाई बैच था, पिछले महीने का अभी बैच जो निकला हुआ है। और इसमें आपने देख रहे होंगे कि हमने बहुत सारे अपने वीडियो अपने चैनल पे डाले हैं और फेसबुक पे लाइव आते हैं। अगर आपको फेसबुक पे जाना है तो इंसा टेलीकॉम सर्च करो, वहाँ पे भी आपको लाइव क्लासेस मिलेगी हर दिन की, जो भी इवनिंग आफ्टरनून और रात की क्लास होती है 8 बजे से 8 बजे तक। और ये स्टूडेंट्स से ही हम हर प्रैक्टिकल कराते हैं, अटेंड कराते हैं, जो भी हम पहले थ्योरी और उसमें प्रैक्टिकल दिखाते हैं, और उनके मोबाइल रिपेयरिंग स्टूडेंट से ही सेल्प कराते हैं, क्योंकि इनसे ऑलरेडी हम आईसीओ का पूरा काम करा चुके होते हैं। सब यहाँ स्टूडेंट सीपीयू एमएमसी पावर निकाल के लगा के लाइव मोबाइल में बैठे हुए हैं। उसके अलावा ये यहाँ पर हम जो नेटवर्क सेक्शन है बहुत डीपली में बताते हैं, हम पूरा लेटेस्ट फ़ोनों के नेटवर्क सेक्शन बताते हैं, जिसमें HDR, WTR और S9, बहुत सारे RFICO के हम वोल्टेज या फिर फ्रिक्वेंसी DSO की सप्लाई के साथ, कि उस पर डाटा क्लॉक की लाइन या जो भी उसकी जो 19.2 MHz की जो फ्रिक्वेंसी बनती है वो किस तरह से चेक करें। और दोस्तों एक नेटवर्क सेक्शन बहुत लेवल पर जटिल सेक्शन माना जाता है, क्योंकि इस पर एक एक कॉम्पोनेंट कीमती और एक एक कॉम्पोनेंट की भी वैल्यू होती है। अगर कोई कॉम्पोनेंट भी निकल जाए या बोर्ड टेढ़ा हो तो भी नेटवर्क सेक्शन नहीं बन पाता, ज़्यादातर छड़े हुए मोबाइलों के नेटवर्क सेक्शन नहीं बनते हैं। ये एक लोगों की सोच है, पर अगर आप अच्छे से सीखेंगे और आप बहुत डीपली लेवल पे सीखेंगे तो आप हर कोई सेक्शन बना सकते हैं यहाँ। और ये आप पर है कि आप कितना सीखने के लिए तैयार हैं। अगर आप इसे टेलीकॉम आएंगे तो आप सोचिए आप एंडलेस सीख सकते हैं। मुझे बाकियों का तो नहीं पता दोस्तों, पर इतना है कि आप इसे टेलीकॉम में बिल्कुल निराश नहीं होंगे, और यहाँ आकर आपको वो मिलेगा जो आपकी सोच से बढ़कर होगा। और यहाँ पर आप खुद काम करेंगे, अपने सेल्फ खुद से आप अपना GR बनाएंगे, डाटा सीट बनाएंगे, हर चीज़ आपको यहाँ पर खुद से करने का मौका मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट के लिए। और एसर टेलीकॉम का स्टूडेंट हमेशा ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम उनको कॉन्फिडेंट बूस्ट मोटिवेट, दुकान कैसे चलानी है, कैसे दुकान का बेसिकली क्या उसके दुकान के ओपनिंग का खर्चा या फिर उसको किस तरह से सेटअप करना, सारी चीज़ टूल से लेकर हर चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं, मैनेजमेंट बताते हैं यहाँ पर, छोटे से छोटा बारीक से बारीक कंपोनेंट भी डीपली से बताते हैं, उसको निकालना लगाना आईसी तो। और दोस्तों इस बार तो आपने देखे होंगे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखे, क्योंकि इस हमने वीडियो में हालांकि बहुत कम लोगों का दिखाया है, अभी हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालेंगे अपने ड्यूल डेकर सीपीयू का। हमने ऑलमोस्ट अपने 27 जो स्टूडेंट है, अगर हमारे पास जो हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं, हमने सबसे ड्यूल डेकर सीपीयू करवाया दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे लिए। और बहुत सारे लोग ड्यूल डेकर सीपीयू सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट को करा पाते हैं, यहाँ हमने ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को ड्यूल डेकर सीपीयू कराया और पूरी क्लास बहुत खुश है। और ये बोर्ड भी हमने ही उनको दिए हैं फ्रेश, जो कि मार्केट में कम से कम 2,500-3,000 तक के बोर्ड आते हैं, और अगर हम बात करें ड्यूल डेकर डबल डेकर सीपीयू के। तो आप इसे टेलीकॉम ज्वाइन करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नीड नंबर पे कॉल करो, अभी 28 सितंबर बैच आपके लिए ओपन है, आप आइए और एडमिशन बुक कीजिए। और 12 घंटे पढ़ने के लिए और 30 दिन इंडिया में सबसे ज़्यादा घंटे हमारे हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा कंटेंट हमारा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हम कह सकते हैं हमारा है। बहुत सारे टीचर्स जो इंडिया में पढ़ा रहे हैं वो भी आज हमारी ही देन है। और अगर हम बात करें, आप अगर हमारा बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे इसे टेलीकॉम के बारे में, तो बहुत अच्छा भी जानने को आपको मिलेगा। और दोस्तों इसे टेलीकॉम ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कीजिए और बिंदास इसे टेलीकॉम आइए, क्योंकि यहाँ आपको वो सीखने को मिलेगा जो आपको पूरे इंडिया या वर्ल्ड में नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सरल तरीके से आपको हर चीज़ एलिब्रेट करके बताई जाती है, और उसको एक प्रैक्टिकली लॉजिक तरीके से बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको बता दिया जाए, प्रैक्टिकली के बताया जाता है। सो इसे टेलीकॉम ज्वाइन करो, थैंक यू। बात करूंगा उनसे सर से और ये वो, ठीक है दिखा दो, लगाओ उसमें बोर्ड में आईसी। तो अब हम आईसी लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर आरएफ का काम हुआ है, जिसमें हमने आरएफ, क्या हमने आरएफ सीधे उठाई चेंज कर दी क्या? हमने पहले उसके क्या चेक किए? वोल्टेज चेक किए, जो क्या नॉलेज हमें प्रॉपर होना चाहिए डायग्राम के साथ में। क्या हम यहाँ पे वोल्टियों से पढ़ते हैं क्या? यहाँ पर नहीं पढ़ते, यहाँ पे हम पूरा प्रॉपरली डायग्राम के साथ पढ़ते हैं। डायग्राम और बोर्डियो बेटा इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसके अंदर डायग्राम्स मिलते हैं, अभी अपडेटेड डायग्राम उसी में है, बाकी बोर्डियो से हम नहीं पढ़ते।
और जो चीज एडवांटेज के लिए उसके लिए पढ़ना कोई बुरी बात है क्या? तो लोगों को गुड व्यू पढ़ना नहीं आता होने के बाद भी, सप्लाई क्या है, क्यों जा रही है। तो हम देखेंगे कि इनका नेटवर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फोन इनका चालू हो गया है, क्योंकि WTR से फोन बंद नहीं होता है, तो कोई सीन नहीं है इसमें, चालू हो गई होगा। अब ये है कि सर्विस पे आप सिम लेते हैं, लगाओ, अब सिम लगाते हैं और देखते हैं कि नेटवर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पास लेके आओ दीपक, तो नेटवर्क आ गया हमारा, इनके दो नेटवर्क दिखाइए यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिखाओ, लोगों को दिखाओ, ठीक है। अभी कुछ देर बाद 4G LTE 4G भी लिखा आएगा यहाँ पर, यहाँ दिखाइए, तो दिखाए यहाँ पर नेटवर्क आ गया है, मैसेज आना भी चालू हो गया हमारे को। अब देखो नेटवर्क चला भी आ गया, वो आ गया, 4G LTE भी आएगा कुछ देर बाद, ठीक है, वो डिटेक्ट करेगा। और एंटीना केबल लगा है क्या इसमें? लगा है, RF केबल लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमको 4G भी आएगा, अभी डेट करेगा। 3G सिम अच्छा, 3G सिम में तो वो आर लिखा आएगा, नहीं तो एच लिखा आता है, तो LTE बंद कराता। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आखिरी में आपने डबल डेकर CPU भी किया है सर, आज तो अभी जस्ट डबल डेकर CPU किया, अभी आपकी जल्दी है। आज आपने क्या किया आज के दिन? आज डबल डेकर CPU कैसे डिबल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने किया। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने, आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर, डुअल डेकर CPU आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका CPU और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता है? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर CPU किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर CPU कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर CPU सर, रैम और CPU उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और CPU उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल CPU। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Dasha. Thank you so much.